नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। आप लोग बहुत समय से कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए और YouTube पर आप अपलोड करिए। ये मेरा पहला वीडियो है और आज से लगातार आपको रोज एक वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग गुणा करना सीखेंगे। जैसे 10 का गुणा कैसे किया जाएगा, 100 का किया जाएगा कैसे किया जाएगा, 1000 का कैसे किया जाएगा, यानी जिनके जिन अंकों में लास्ट में 0 0 होता है उनका गुणा कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि 50,000 का गुणा करना है 10 से, 50,000 का गुणा हम लोग करना है 10 से। अब ऐसे करके नहीं करना है कि पहले हमने 50,000 लिख लिया फिर उसका गुणा स्टार्ट से करेंगे, फिर पहले 0 का किया फिर 1 से किया, ये एक नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट करना है। देखिए, एक चीज हम आपको बताएं कि जब भी आप एग्जाम में 0 नंबर लेके आए कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, आपके माता पिता को बहुत बुरा लगेगा। तो 0 होता है ना वो सबसे बेकार होता है। अगर किसी का 0 आएगा तो इसका मतलब स्टूडेंट सबसे बेकार है, और बेकार लोगों को कहाँ रखा जाता है, सबसे पीछे। तो देखो कि इसके पास भी देखो कितने 0 है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 0 बेकार और बेकार चीज को सबसे पीछे, ये जो 4 0 है ये सबसे पीछे लिख दिया। अब बचा क्या, हमारे पास 1 बचा और 5 बचा, तो 1 का 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, समझ में आया, बहुत सिंपल होते हैं। एक और देखिए आप, 25,000 का गुणा करेंगे हम लोग 100 से। अब देखो टोटल 0 ग्रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 0 हो गए, 5 0 सबसे पीछे, 1 2 3 4 5। अब बचा क्या, 1 और 25, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या रहेगी, तो फिर 1 का गुणा किया 25, तो 25 एकम 25 हो गया। बहुत सरल होते हैं, 0 वाले में कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले क्या, 0 काउंट करो, यानी 0 गिनो और सबसे पीछे लगा दो। अब देखो एक और सवाल लगाएंगे, 6 9 6 9 5 into 1000, यानी 695 में गुणा करना है हमें 1000 से। सरल में कुछ नहीं करना, अब देखो 1000 में कितने 0, 1 2 3, क्योंकि 3 0 सबसे पीछे लगा दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 1, तो 1 का गुणा पहले 5 से करोगे तो 5 आएगा, फिर 1 का गुणा 9 से करोगे तो 9 आएगा, फिर 1 का गुणा 6 से करोगे तो 6 आएगा, समझ में आया। चलो एक और लगाते हैं, 0 सबसे सबसे पहले 0 गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हो गए, सबसे पीछे लिख लिए, 0 बेकार होता है, बेकार चीज को सबसे पीछे। अब बचा गया हमारे पास 2, तो 2 का गुणा पहले 6 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे और फिर 9 से करेंगे, पहले 6 से करेंगे फिर 5 से करेंगे और फिर 9 से करो, 2 का 6 से करेंगे 2 6 12, हासिल 1, तो 5 10 10 और 1 11 हासिल वाला, ठीक है। फिर 2 का गुणा 9 से करेंगे, 9 2 18 और 1 हासिल, कितना हो गया 19 हो गया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना, 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो लिख लिए 1 2 3 4 5। अब बचा कौन, 2, तो 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा पहले 6 से करना, तो 6 2 12 होता है, हासिल 1, फिर 6 का 5 से 5 2 10 होता है, हासिल 1, 5 2 10 और 1 हासिल 11 हो गया। फिर 2 का गुणा 9 से करना है, 2 9 18 और 1 हासिल, कितना हो गया 19, समझ में आया। उसके बाद देखो, 9.65 जैसे मान लो 9.65, यानी 9.65 गुणा 100, इतना दिया हुआ है 100, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करो, 2 0 है सबसे पीछे लगा दो। अब बचा क्या, अभी पॉइंट को नहीं देखना, पॉइंट को बाद में देखेंगे। क्या बचा, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो, भी बताया भैया आ जाता है। तो अब देखो कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 2, दो अंकों के बाद लगा है तो उसमें भी पीछे लिख लो, 1 2 और 2 अंकों के बाद लगा दो, हो गया। एक और मेरे को सवाल, 5 9 यानी 5 9.67 गुणा 4000 कर लो, 400 की जगह कर लो 4000, मान लो इसके पास भी 1 0 है, इसके पास भी हमने 1 0 लगा दिया। अब देखो जोड़ो,
एक दो तीन चार, चार जीरो आ गए सबसे पीछे, एक और जीरो लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, चार, तो चार का गुणा करें, देखो चार दूनी चार का गुणा सात से करें, सात चौको अट्ठाईस, हासिल कितना दो, आगे वाले भी लिख दो। अब फिर चार का गुणा छह से, चार छ चौबीस, चौबीस और दो छब्बीस, हासिल फिर दो, तो दो इसके ऊपर लिख दो। फिर चार का इससे करो, चार नियम छत्तीस, छत्तीस और दो अड़तीस, हासिल तीन, इसके ऊपर लिख दो। फिर चार का गुणा इससे करो, चार पंचे बीस, बीस और तीन तेईस, हो गया। कुछ नहीं करना, चाहे पॉइंट वाला हो या ना हो, पॉइंट वाला है तो गिन लेंगे, देखो पॉइंट कितने अंकों वाला लगा, एक दो तीन पीछे से लगाएंगे, एक दो तीन, तीन के आगे लगा दो। समझ में आया आप लोगों को, ये आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप लोग बहुत समय से कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए, एक सर वीडियो बनाइए, लेकिन कोई ना कोई समस्या थी इसलिए नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक ना एक वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। आज ये छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।